सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया बढ़िया कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। तो भाई, आप सभी को पता होगा मैंने कुछ दिन पहले ही वीडियो डाली थी कि मैंने अपनी लेज़र की कार्बोरेटर की स्लाइड और कॉइल्स चेंज की थी। तो आज की वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि क्या उन चीज़ों को चेंज करके गाड़ी में कुछ फ़ायदा मिला है या नहीं मिला है, लाइक परफॉर्मेंस में, पिकअप में कुछ फ़ायदा मिला है या नहीं मिला है, लैग गाड़ी का सही हुआ है पिकअप का या नहीं सही हुआ है। क्योंकि आप लोग जानते हैं इसमें पिकअप के लैग की दिक्कत थी और पिकअप का लैग जो है बहुत इरिटेट करता है और बहुत ही पुरानी प्रॉब्लम है NS200 के अंदर। ये समझ लीजिए कि बहुत से जितने भी यूज़र्स हैं NS200 के, BS3 और BS4 के, वो इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं। तो BS6 में तो FI आ गया है, तो उसमें तो ऐसा कोई लोचा होता नहीं है। तो ये सारा का सारा खेल आपका BS3 और BS4 का ही रहता है। तो भाई, मैंने अभी रिसेंटली ही इसमें कार्बोरेटर की स्लाइड और कॉइल्स चेंज कराई हैं, क्योंकि गाड़ी को 6 साल भी हो गए। जी हाँ, इसको 6 साल हो चुके हैं गाड़ी को। तो भाई, आज की वीडियो में ये बताता हूँ कि यार इन चीज़ों को लगाने के बाद कुछ फ़र्क पड़ा या नहीं पड़ा। सो गाइस, हमेशा मैं आप लोगों को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही बताता हूँ। तो भाई, कॉइल चेंज कराने के तुरंत बाद मेरे को इतना कुछ फील नहीं आया था, लेकिन आफ्टर सम डेज मैंने ये पाया कि इसका जो पिकअप लैग का प्रॉब्लम है ना, पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है। और ये समझ लो, पहले एक प्रॉब्लम आया करती थी कि अगर गाड़ी थर्ड या फोर्थ गियर में है और मुझे एकदम से पावर चाहिए तो मेरे को डाउन शिफ्ट ही करना पड़ेगा, उस गियर में मुझे इमीडिएट पावर नहीं मिलेगी। तो अब ऐसा कोई सीन नहीं है, इमीडिएट मेरे को अगर मैं थ्रॉटल देता हूँ तो मेरे को इंस्टेंट पावर भी मिल जाती है। प्लस अगर मैं गियर डाउन भी करता हूँ तो भी गाड़ी ब्रूटली उठती है। देखो, क्लच प्लेट से प्रॉब्लम नहीं थी, ये मैं पहले भी कह रहा हूँ, क्लच प्लेट से कभी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि कुछ सेकंड्स का, कुछ माइक्रो सेकंड्स का लैग आता था जिसके बाद बाइक एकदम से उठती थी। तो वो यार, अगर क्लच प्लेट से प्रॉब्लम होती तो वो माइक्रो सेकंड्स का लैग थोड़ी आता, वो लैग तो बना रहता। सो गाइस, बातें बहुत हो गई, अब मैं थोड़ा सा प्रूफ दिखाता हूँ आप लोगों को कि इसका पिकअप वाकई में इंक्रीज़ हुआ है। तो ये जो सेक्शन है ना, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना, क्योंकि अब मैं एक्सेलरेशन टेस्ट करने वाला हूँ इसका। मैं उस तरफ ले लेता हूँ पहले गाड़ी। इसका एक्सेलरेशन टेस्ट करना ज़रूरी है ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि गाड़ी में पिकअप का बिल्कुल लैग नहीं रह गया है। प्लस गाइस, एक चीज़ और है, NS200 थोड़ी सी गर्म होती है ना तो भी पिकअप का लैग फेस करने को मिलता है। तो इस वजह से मैंने थोड़ा बहुत इसको चला लिया था, गाड़ी अच्छी खासी वार्म्ड अप है, लेकिन उसके बाद भी लैग नहीं देगी। तो यार, यहाँ से मैं शुरू करता हूँ, तो रोलिंग में ही ट्राई करते हैं, लॉन्च नहीं करूँगा गाड़ी को, ठीक है? पहले गियर में है गाड़ी और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 3, 2, 1। देख सकते हैं हर गियर में 1 से लेके 5, 5 से लेके 6 सारे के सारे गियरों में लैग की प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। एक बार फिर दिखाता हूँ यार, रोलिंग में ही करेंगे, ठीक है? पिकअप लैग क्या होता है मैं लिटरली भूल चुका हूँ, क्योंकि यार अपनी गाड़ी ये बिल्कुल भी थ्रॉटल लैग नहीं दे रही है, थ्रॉटल का रिस्पांस भी बढ़िया हो गया है। और एक चीज़ मैंने और नोटिस करी कि जब ये हाई RPM पे जा रही है ना तो भी पावर फेंक रही है यार, हल्का फुल्का ही सही लेकिन पावर मैं फील कर सकता हूँ, गाड़ी पावर फेंक रही है। तो यार, मैं काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ कार्बोरेटर की स्लाइड और कॉइल्स को चेंज कराने के बाद, और मैं प्रॉपरली कह सकता हूँ गाइस, मेसिंग का प्रॉब्लम, पिकअप का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है गाड़ी में। गाड़ी में बिल्कुल पहले जैसी पावर आ गई, जब मैंने ब्रांड न्यू खरीदी थी जैसी पावर तब थी, बिल्कुल वैसी पावर आ गई है गाड़ी के अंदर। मुझे नहीं लगता अब गाड़ी कहीं पर मिसिंग का प्रॉब्लम देगी। मैं पहाड़ों पर भी इसको लेके गया था तो पहाड़ों पर मिसिंग दे रही थी, अब मैं इसको पहाड़ों पर लेके जाऊँगा, अब देखते हैं मिसिंग का प्रॉब्लम देती है नहीं देती। तो भाई, वो तो अभी नहीं होगा, आने वाले वक्त में होगा। एंड गाइस, आप लोगों के कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी मतलब क्वेश्चंस वगैरह हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इसके रिगार्डिंग, पिकअप वाली इशू के रिगार्डिंग। आज की वीडियो को हम इतना ही रखते हैं। तो भाई, वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट एंड शेयर। एंड गाइस, ऐसी ही वीडियोज़ के लिए अपने चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।